हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास। और आज 11th क्लास का परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द दिया था सबसे पहले। और परमाणु का जो प्रमुख पार्ट है, परमाणु के प्रमुख भाग है, उनको अपन आज अध्ययन करेंगे। देखिए, परमाणु की संरचना ऐसी है, कार्बन का परमाणु, सल्फर का परमाणु है, सोडियम का परमाणु है, फास्फोरस का, बहुत सारे तत्वों के परमाणु होते हैं। नाभिक केंद्र में रहता है, इसमें दो कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है, तीन कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो केंद्र में स्थिर है, तो इनको कोई परेशानी। अब इलेक्ट्रॉन जो गतिशील कण है, इसके बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कैसे मिलेगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के परमाणु के तीन भाग हैं, कोश, उपकोश, कक्षक, और अंत में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कोश के बारे में। 1913 में नील्स बोर वैज्ञानिक ने एक अवधारणा दी, नाभिक के चारों ओर का वृत्तीय पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं उसे कोश कहते हैं, सेल कहते हैं। और कोश को एन से दर्शाते हैं, एन का मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है। एक फॉर्मूला भी दिया, 2n2, एन का मान 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 2, 2 एकम 2, मतलब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं स्टूडेंट, 2 रखें, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तीसरे में 3 रखें 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये कोश है, यहाँ लगातार इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। अब आते हैं हम उपकोश पर। सोमरफील्ड ने बताया कि कोश का छोटा पार्ट उपकोश सब सेल होता है, इसको एल से दर्शाते हैं, और एल का मान 0, 1, 2, 3। इसके प्रतीक क्या है उपकोश के, SPDF। इसका भी फार्मूला दिया, क्या फार्मूला है, 4L+2। किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4L+2। अब हम देखते हैं ये फार्मूला सही है कैसा है। तो हमने एस उपकोश में लगाया, L का मान कितना रखेंगे, यहाँ से देख लो L का मान, ये S का 0, 4×0+2, 2 इलेक्ट्रॉन, तो S पर 2 की घात लगा देंगे आई वर्षन में। और P पर जो है, P में 4×1+2, 6, यहाँ 6 की घात लगा देंगे P कोश पर। D में आइए, 4×2+2, 10 की पावर, 4×3, 3 कहाँ से लिया, ये 3, ये 2, ये 1, ये 14 की घात आ गई। इस प्रकार एक और बड़ी बात, किस कोश में कितने उपकोश रहते हैं, इसकी क्या जानकारी मिलेगी। देखो, इसमें है 1s, पहले कोश का नंबर, इसमें 2s, 2p, इसमें 3s रहेगा, 3p रहेगा, 3d, ये चौथा कोश है, n का मान जोड़ दें, 4s, 4p, 4d, 4a। अब अपन बोरवरी नियम कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप बाउनियम का जो फॉर्मूला है ये मिला लेते हैं, मतलब इनके सही है कैसा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मैच कर रही है अथवा नहीं। तो आइए यहाँ भी देखते हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आए हैं, किसके नियम से, 2n2 बोरवरी के नियम से, तो 32 कहाँ रहेंगे, 4s में 2, 4p में 6, 4d में 10 और 4f में 14, इस सूत्र से आए 4l+2 से, जोड़ लीजिए 14, 24, 30, 32 करेक्ट है। इसमें बोरवरी नियम से 18 आ रहे हैं, 18 कैसे आएंगे, एस में 2 रहते हैं, पी में 6, डी में 10, 10, 6, 16 और 2, 18, ये भी करेक्ट है, सही है। इसमें 8 आएंगे किसके नियम से, बोरवरी, कहाँ कहाँ रहेंगे, 2 रहेंगे 2s में, 6 रहेंगे इसमें, ये भी करेक्ट है, 6+2 कितने हो रहे हैं, 8। यहाँ पे आइए 2, 1s2, पहले कोश में एक उपकोश रहता है, दूसरे में 2, 3, इस प्रकार बढ़ता जाता है। इनको ऊर्जा स्तर भी नाम दिया जाता है कोशों को, कक्षाओं को। इसके अंदर चलते हैं, तीसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन का है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में देखो, कक्षों किसी उपकोश में ऑर्बिटल की संख्या 2l+1 होती है, l वही है, l 0, s का p का 1, d का 2। s उपकोश में कितने कक्षक रहे, 2×0+1, 1, ये कक्षक बना दिया। p उपकोष में कितने रहेंगे, 2×1+3 आएंगे, ये मैंने 3 बॉक्स बना लिए। d में कितने रहेंगे, 5, f में कितने रहेंगे, 7। अच्छा, पाउली का एक नियम है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तीर से दिखा गया फ्रेंड्स, क्लियर, यहाँ कितने रहेंगे, यहाँ रहेंगे 3 और 3, 6, 3 में 6 रहेंगे। यहाँ पर डी उपकोश में चलते हैं हम,
लगातार पांच और सभी में दो दो, दूसरे के इलेक्ट्रॉन भरने की क्रिया युग्मन कहलाती है। एफ में देखिए लगातार सात और सात के बाद फिर क्या हो जाएगा, डबल डबल, सात दूनी चौदह, ये देखिए चौदह इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये चौदह की घात लगी हुई है एफ पर। डी पर दस, पी में छः, अधिकतम संख्या है, कम तो रह सकते हैं अधिकतम। एक कोई उदाहरण समझते हैं अपन, नियोन पे आ गए, नियोन का परमाणु क्रमांक है दस दो आठ, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, कि साइंस में ऐसा पढ़ा होगा आपने, तीन चार पाँच छ सात आठ, कोष दो है। लेकिन अब जो नया नियम है उपकोष का, ये वाला, इसमें वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स, मतलब तीन उपकोष है। नियोन में उपकोषों की जगह कितनी है, तीन। कक्षक वन एस का एक, टू एस का एक और टू पी की तीन। तो यहाँ पे यदि कोई पूछे नियोन के कितने कक्षक हैं, नियोन के पांच कक्षक है, वन एस का एक, टू एस का और तीन टू पी के, और उपकोष आप देख रहे हैं एक दो तीन, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक नया वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, उसको जरूर देखें और बहुत अच्छे से देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।